हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बॉलीवुड की मशहूर क्राइम एक्शन थ्रिलर मूवी सरकार डॉन सीरीज के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के रिव्यू के बारे में बात करेंगे। सरकार सीरीज अमिताभ बच्चन के लिए जानी जाती है, तो इसी तरह डॉन सीरीज की पहली मूवी अमिताभ बच्चन सर ने दी थी, बाद की मूवी शाहरुख खान ने की है। तो अब तक सरकार और डॉन फ्रेंचाइजी में कितनी मूवी रिलीज हुई है और उनकी बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट क्या रही है, आज के इस वीडियो में हम कंप्लीट डिटेल व्यूअर्स को प्रोवाइड करेंगे। तो सबसे पहले हम सरकार फ्रेंचाइजी की बात करेंगे जो 2005 में आई थी। सरकार मूवी को डायरेक्ट किया था राम गोपाल वर्मा ने। मूवी के लीड कास्ट में अमिताभ बच्चन, अभिषेक बच्चन, कैटरीना कैफ, के मिलन, अनुपम खेर भी शामिल थे। यह फिल्म 1 जुलाई 2005 को रिलीज हुई थी। यह फिल्म एक्शन क्राइम ड्रामा मूवी थी जिसे IMDB रेटिंग 10 में से 7.6 स्टार दिए गए थे। 14 करोड़ के बजट पर बनी इस फिल्म ने इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 24.84 करोड़ का कलेक्शन किया और वहीं वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 37.96 करोड़ का किया था और बॉक्स ऑफिस पर सरकार एक सुपरहिट फिल्म साबित हुई थी। सरकार फिल्म की दूसरी फ्रेंचाइजी का नाम है सरकार राज। फिल्म को डायरेक्ट किया था राम गोपाल वर्मा ने। फिल्म की लीड कास्ट में अमिताभ बच्चन, अभिषेक बच्चन, ऐश्वर्या राय, सुप्रिया पाठक थे। यह फिल्म 6 जून 2008 को रिलीज हुई थी। सरकार राज भी एक एक्शन क्राइम ड्रामा मूवी थी जिसे IMDB रेटिंग 10 में से 6.8 स्टार दिए गए थे। 27 करोड़ के बजट पर बनी यह फिल्म इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 34.31 करोड़ का कलेक्शन किया और वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 58.60 का था। बॉक्स ऑफिस पर सरकार राज मूवी एवरेज साबित हुई। सरकार मूवी की तीसरी फ्रेंचाइजी का नाम है सरकार 3। इस मूवी को डायरेक्ट किया था राम गोपाल वर्मा ने। फिल्म की लीड कास्ट में अमिताभ बच्चन, मनोज बाजपेयी, यामी गौतम, जैकी श्रॉफ, रौनित राय भी शामिल थे। यह फिल्म 12 मई 2017 को रिलीज हुई थी। सरकार 3 भी क्राइम ड्रामा एक्शन थ्रिलर मूवी थी जिसे IMDB रेटिंग 10 में से 4.9 स्टार दिए गए थे। 36 करोड़ के बजट पर बनी इस फिल्म ने इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 9.93 करोड़ का कलेक्शन किया। वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 18.48 करोड़ का था। बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म एक डिजास्टर फिल्म साबित हुई थी। सरकार फ्रेंचाइजी की नेक्स्ट अपकमिंग मूवी का नाम है सरकार न्यू रूल, तो इसे भी राम गोपाल वर्मा ही डायरेक्ट करेंगे। लीड कास्ट में अमिताभ बच्चन, अभिषेक बच्चन, ऐश्वर्या राय इस फिल्म का हिस्सा होगी। ये फिल्म आपको 2024 या 2025 तक देखने को मिल सकती है। अब हम बात करेंगे डॉन फ्रेंचाइजी की, डॉन फ्रेंचाइजी मूवी के बारे में। डॉन फ्रेंचाइजी की पहली मूवी आई थी 1978 को। इस फिल्म की लीड कास्ट में अमिताभ बच्चन, जीनत, हेलेन शामिल थे। ये फिल्म 12 मई 1978 को रिलीज हुई थी। डॉन एक एक्शन क्राइम ड्रामा थ्रिलर मूवी थी जिसे IMDb में 10 में से 7.8 स्टार दिए गए थे। 2 करोड़ के बजट पर बनी इस फिल्म ने इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 3.50 करोड़ का कलेक्शन किया और वहीं पर वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 7 करोड़ का था। यह इंडियन बॉक्स ऑफिस पर एक सुपरहिट फिल्म साबित हुई थी। और फिर 2006 में डॉन मूवी को रीमेक किया गया। फिल्म को डायरेक्ट किया था फरहान अख्तर ने। डॉन का कैरेक्टर बॉलीवुड किंग शाहरुख खान ने प्ले किया था। इस फिल्म में शाहरुख खान, प्रियंका चोपड़ा, अर्जुन रामपाल, बोमन ईरानी शामिल थे। 38 करोड़ के बजट पर बनी इस फिल्म ने इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 50.55 करोड़ का कलेक्शन किया और वहीं पर वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 105.48 का था। यह एक हिट फिल्म साबित हुई थी। डॉन की दूसरी सीरीज डॉन 2 23 दिसंबर 2011 में आई थी। लीड कास्ट में शाहरुख खान, प्रियंका चोपड़ा, लारा दत्ता, कुणाल कपूर, भुवन रानी, ओम पुरी शामिल थे। इस मूवी में प्रियंका चोपड़ा, लारा दत्ता इसके पहले अंदाज मूवी में एक साथ काम किया था। 76 करोड़ के बजट पर बनी इस फिल्म ने इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 106.71 करोड़ का कलेक्शन किया और इसका वर्ल्ड वाइड 209.53 करोड़ का था। यह एक हिट फिल्म साबित हुई थी। अब हम बात करेंगे डॉन 3 के बारे में। इस मूवी को फरहान अख्तर डायरेक्ट करना चाहते हैं। वो इस कैरेक्टर में शाहरुख खान को देखना चाहते हैं, बट शाहरुख खान ने करने से मना कर दिया है। 2011 के बाद शाहरुख खान ने डॉन 3 का पार्ट 1 कबूल नहीं किया है।
सेकेंड ऑप्शन में फरहान अख्तर डॉन के कैरेक्टर में रणवीर सिंह को लाना चाहते हैं, लेकिन रणवीर सिंह ने इस मूवी को अभी तक ग्रीन सिग्नल नहीं दिया है। इस मूवी के लिए लीड कैरेक्टर अभी तक अवेलेबल नहीं है। रणवीर सिंह के बजाय ऋतिक रोशन बेस्ट चॉइस हो सकते हैं। उनको डॉन 2 में उन्होंने एक कैमियो अपीयरेंस दिया था, जहां पर शाहरुख खान ऋतिक रोशन का मास्क पहनकर पार्टी में आते हैं और डॉन का कैरेक्टर ऋतिक रोशन ने प्ले किया था। ऋतिक रोशन बेस्ट चॉइस हो सकते हैं डॉन 3 के लिए। तो आपके हिसाब से डॉन 3 का कैरेक्टर ऋतिक रोशन को करना चाहिए या फिर रणवीर सिंह को, या फिर शाहरुख खान के अलावा यह कैरेक्टर पॉसिबल नहीं हो सकता है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।